हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। माहिती ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा ब्लॉग इस प्रकार है। किस प्रकार है? तो जैसे बनता है बनाते हैं, बट आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करते बिल्कुल भी, हमें सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते हो। तो फ्रेंड आप लोग भी उसे ही करते हो, फ्रेंड जो चुम्मा चाटी करते हैं ज़्यादातर है, मतलब जो ऐसे ऐसे वीडियो बनाते हैं उन लोगों को जल्दी वायरल कर देते हो, जल्दी मतलब फेमस हो जाते हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़ जाते हैं उनके। बट जो नॉर्मल बनाते हैं, फैमिली वाले बनाते हैं, फैमिली वाले लोग, तो आप उन लोगों को सपोर्ट नहीं करते बिल्कुल भी। तो फ्रेंड देखिए आज हम गाड़ी में बैठे हैं भोपा की। तो हाई करो भोपा। तो ये दोनों सो गए थे फ्रेंड, ये देखो गाड़ी, मैं गाड़ी में बैठी हूँ उनकी। तो ये सो गए थे दोनों, तो जैसे मैंने व्लॉग स्टार्ट किया तो ये उठ गई भोपा। तो ये कह रही गाड़ी पे बैठना, तो अकेली बैठने रही, ये रो रही है क्योंकि सो के उठी है। और बच्चों की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है फ्रेंड, बच्चों क्या हमारी भी नहीं है। तो इसके पापा का भी परसों एक्सीडेंट हो गया, पैर में चोट लग गई बहुत ज़्यादा इसके पापा की। तो बेचारे गए हैं क्योंकि भाई एक दिन ना करो तो बहुत मुश्किल हो जाता है घर चलाना फ्रेंड। तो परी सो रही है, उसका बुखार बहुत ज़्यादा है कल से, तो दवाई खिला दी उसको। दवाई खाने के बाद वो सो रही है। तो भोपा तो उठ गया था, जैसे मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया ऐसे ही उठ गई। तो मैं इसको खिला रही हूँ, तो देखो फ्रेंड। तो आज इसकी गाड़ी टूट जाएगी क्योंकि आज इसकी गाड़ी पर मैं बैठ रही हूँ। तो इसकी कितनी होगी, 5-6-7-10 किलो की गाड़ी होगी शायद ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं 48 किलो की भैंस बैठी हूँ उस पर, मोटी भैंस। और भैंस तो फ्रेंड देखो मैं इसकी गाड़ी चला के दिखाऊँ आपको। तो देखिए फ्रेंड में चलाती हूँ, मेरे को बहुत मज़ा आता है इसकी गाड़ी चलाने में। तो मैं अभी चला के दिखाऊँगी इसको, रुक जाओ मैं सीधी कर लूँ। तो देखो फ्रेंड इसमें गाना भी चलता है। तो स्टार्ट हो गया इसका डांस। तो 1-2-3। तो आज मैं इसकी गाड़ी चलाने वाली हूँ परी की। तो फ्रेंड ओए देखियो, ओए इसका तो फ्री हो गए पहिए। तो फ्रेंड इसके पहिए ना फ्री हो गए, पता नहीं कैसे, तो ये चले ना रही। तो हम ऐसे चला देंगे, देखो ऐसे चला देंगे हम। तो प्लीज़ फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारे जल्दी से जल्दी 50 सब्सक्राइबर हो जाए और मैं आप सब लोगों के साथ लाइव आ सकूँ। फ्रेंड आप लोग सब्सक्राइब करोगे ना, मुझे 100 सब्सक्राइब पे एक फ़ोन मिल जाएगा। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना। तो भोपा उतरो। तो फ्रेंड आज मैंने सूट देखो कितना अच्छा पहन रखा है। तो ये जब मेरी शादी हुई थी तब कई सूट था मेरे, जब कई कपड़े हैं सारे। तो जब कई कपड़े हैं मेरे सारे, मैं जब कई कपड़े पहनती हूँ अभी तक। तो देखो तो इसका बैठना देखना, ये उल्टा बैठता है गाड़ी पे। लिया मम्मा के पास ले आओ गाड़ी, मम्मा पास लिया। तो फ्रेंड अब त्योहारी त्योहार आने लग रहे हैं। हाँ तो ये मेरे को कह रहा है कि मैं बैठूँ इस पर फिर से चलाऊँ, बैठ के क्या करूँ, सुनो मैं चलाऊँ। तो ये कह रहा है वहाँ पे बैठ के चलाओ। तो आ जाओ इधर आओ, आओ आओ। तो फ्रेंड ये परी के बर्थडे पे ली थी साइकिल हमने, ये मतलब साइकिल ला रहे थे परी के पापा, तो उन्होंने सोचा कि दोनों बहन बैठ जाएंगी। बैठ बैठ, तो उन्होंने सोचा ये। तो फ्रेंड एक मिनट अभी इसे बिठा के बात कर। तो देखो फ्रेंड मैं इसको ऐसे बिठा के ना पैरों से ऐसे चला रही हूँ, तो ये नींद में हो रहा अभी चिड़चिड़ा। देखो नौजी कहाँ, पापा आपकी नौजी
देखो फ्रेंड, इतने से बच्चों को पता है नौजिका तिथ का तिथ, तो देखो तिथ दिखाती है, तिथ देखो तो ये तिथ दिखाती है, मैं तो मुस्कुरा मुस्कुरा के दिखाता है भोपा मेरा, भोपा तिथ दिखाओ तिथ ई तो फ्रेंड कमेंट में जरूर बताना किस किस को मेरा भोपा अच्छा लगता है। तो ये देखो, तो मेरी परी ये सो रही है, तो ये सो गई बिना खाना खाए, मैंने इसके लिए चावल बना दिए क्योंकि इसने फ्रेंड पूरा दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया इसने पूरे दिन से, तो भोपा जा दिया वहाँ पे, देखो इसने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया। तो ये कहते हैं ना बच्चों को कुछ होता है माँ बाप पहले वो हो जाते, तो मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी फ्रेंड, मेरी इतनी तबीयत ख़राब है ना, मेरे को बुखार उखार इतना वो हो रहा है, मेरी बच्ची की जब से ख़राब हुई ना मैंने सोचा बिल्कुल मैं ठीक हूँ, क्योंकि बच्चों को कुछ हो जाता है ना माँ बाप की जान निकल जाती है, मैं सारा अपना दुख भूल गई इसके चक्कर में। तो फ्रेंड देखो ये गुस्से में खाती है, क्या कुछ कहते हैं ना शादी से पहले हम कहते थे कि हम अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, शादी के बाद जब बच्चे होते हैं ना तो अपने आप ही हो जाती है मोहब्बत, और सच्ची में बच्चों को कुछ होता है ना तो माँ को ऐसा लगता है जैसे माँ की जान निकल गई हो, तो मेरे बच्चों किसी को भी इतना सा कुछ होता है ना तो मुझे ऐसा लगता है मेरी जान निकल गई सच्ची में, ऐसा लगता है मुझे। तो मेरी परी ने कुछ नहीं खाया, अब तो मैं खाना खा रही थी, मेरा खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करा, थोड़ा सा खाया मैंने, मन के बच्चे उठेंगे तभी खाऊँगी, तो परी उठेगी इसके साथ खाऊंगी। क्या चाहिए तो देखो फ्रेंड मेरा भोपा अच्छा, सबको सबको वो बोल दे हाय, बोल दो सबको, सबको हाय बोल दो। तो फ्रेंड अब त्यौहार ही त्यौहार आने लग रहे हैं, त्यौहार आने लग रहे हैं सारे, तो 13 तारीख की करवा चौथ है, तो आई एम सो सैड क्योंकि 2 साल से मैं कुछ नहीं ले रही हूँ करवा चौथ पर कुछ भी, अगले साल भी मैंने पुराना सूट पहन लिया था और उस साल तो बारिश भी हो गई थी, ओले पड़े थे इतने मोटे मोटे, पूरा दिन बर्त रखा रात को इतने मोटे मोटे ओले, तो उस टाइम मेरे पे पैसे थे मैं तब भी खरीद नहीं पाई थी, और इस बार खरीदने का मन है तो इस बार पैसे नहीं है, तो अब मैं सोच रही परी के पापा बोल रहे थे कि मैं 500 रुपये दे दूँगा जो खरीदना खरीद लेना, तो मैंने बोला मुझे 500 रुपये में क्या, वैसे तो आज के टाइम में कुछ नहीं आता 500 रुपये में आ भी जाता, मैंने सोचा भाई मैंने कहा ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ जब भी ये पैसे देंगे तो मैं अपनी परी का आधार कार्ड बनवाऊँगी, इसका सुकन्या का फॉर्म भरवाऊँगी, तो मैं दूसरा आधार कार्ड बनवाने गई फ्रेंड, मैं तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी, मैं अपनी बेटी का सुकन्या का फॉर्म भरवाऊँगी, जब भी मेरे को 500 रुपये आ गए, इसके पापा जब भी मेरे को 500 रुपये दे देंगे तो मैं उसमें आधार कार्ड बनवा के इसका सुकन्या का फॉर्म भरवा दूँगी, मतलब पहला आधार कार्ड बनवा के, तो उससे पहले बनेगा नहीं इसका, तो मैं इस बार भी कुछ नहीं लूँगी करवा चौथ पर, और पहले भी नहीं, और इस बार मेरे 2 महीने में मेरे कमरे का रेंट देख तो फ्रेंड बच्चों के साथ बच्चा होना पड़ता है, बच्चे ऐसे ही नहीं पलते, तो इन शैतानों के साथ ऐसे ही शैतान होना पड़ता है, इनकी वही हरकतें करनी पड़ती है। तो परी बेटी उठो खाना खाइयो, तो फ्रेंड मैं शीशे में देख देख के वीडियो बनाती हूँ, तो देखो मेरा शीशा, मैं इसमें देख देख के बनाती हूँ, उसके पास ही खड़ी हो गया, तो इसका कैमरा उल्टा है ना, मतलब ऐसा कैमरा है इसका, तो ऐसे लाइट जला के मैं ऐसा बनाती हूँ वीडियो फ्रेंड, क्योंकि इसका सीधा कैमरा ना ख़राब है, ये फ़ोन ही ख़राब है, बस मैं सोचती हूँ ना कुछ तो होएगा ही, आप लोगों का सपोर्ट हुआ तो कुछ होएगा, तो मैं दूसरा फ़ोन देख ले लूँगी मैं, आ जा ओए खड़ी हो, तो मैं इस, मुझे लगता है भोपा को भूख लगी है, हप्पा ला रही हूँ मैं, तो भोपा को भूख लगी है, मैं इसके लिए क्या खाएगी, इसके लिए थोड़े चावल ले जाती हूँ फ्रेंड, तो ये मैंने चावल बना लिए, तो ये देखो ये मैंने चावल बनाए थे,
तो ये घी एग शायद, ये जो दूध नहीं आता फुल क्रीम दूध आता है, तो उसकी जो मलाई होती है मैं उसकी मलाई जमा कर करके घर पे घी बना लेती हूँ। तो अगली वीडियो में बताऊँगी मैं घी कैसा बनाती हूँ घर पे, तो मैं ऐसे ही घी बना लेती हूँ ताकि मेरे बच्चों को घी मिले, क्योंकि मॉल का तो बहुत महंगा हो रहा है आजकल, खा नहीं सकते गरीब आदमी नहीं खा सकता भाई, बड़े आदमी खाते हैं। तो मैं घर पे बना लेती हूँ बच्चों के लिए। तो फ्रेंड इसमें गुस्सा इतना, मैंने इसके चावल में हाथ डाल दिया तो सही लग रहा कि मतलब क्यों डाल ली, तो खुद खाना चाहती हूँ। तो देखो फ्रेंड, तो ये मेरे हाथ से बिल्कुल नहीं पसंद करती, खा ले। तो इस लड़की में बहुत ज़्यादा गुस्सा है फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है इसमें। वो मेरी बड़ी बेटी है, सीधी इतनी प्यारी, इतनी भोली भाली, और ये इतना ही शैतान है। तो एक बात बोलूँ मैं फ्रेंड आपको, अगर जब बच्चों को खाना खिलाना है तो ये मत सोचो कि बच्चा खिला रहा है वो है, मतलब जैसा बच्चा खा रहा है उसको खाने दो, उसकी मर्ज़ी से, वो अपनी मर्ज़ी से खाएगा तो थोड़ा पनपेगा। और ज़्यादा बच्चों को ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि भाई अभी बच्चे ने खाया फिर 10 मिनट बाद ठुसा दो। तो ज़्यादा खाने से बच्चे मोटे नहीं होते और कम खाने से भी नहीं होते। तो बच्चों के सामने प्लेट रख दो, चाहे वो खाए खिंडाए कैसे करें, नीचे से ठा के खाए या प्लेट से खाए। तो मैं ऐसे ही कर देती हूँ उसको, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी बिल्कुल खाना नहीं खाती, तो उसको कभी मैंने इतना गौर नहीं करा। तो पहला बच्चा था, मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी, तो इस बार मेरे को बहुत नॉलेज है बच्चों के मामले में। तो खाती नहीं, अब भी नहीं खाती हूँ। तो इसको मैंने शुरू से ही 4-5 महीने की थी तब से थोड़ा थोड़ा खिलाना शुरू करा, मैं खिलाती हूँ इसको, तो अब ये खाती है, खुद भी खाती है। तो देखो फ्रेंड, खाया कम खिलाया ज़्यादा, बट खाएगी। तो देखो ये सारे चावल देखो, तो ऐसे ही खाते हैं बच्चे, खाते कम खिंडाते ज़्यादा है। तो बच्चे ऐसे खाएंगे तो पनपेंगे भी, और ज़्यादा ज़बरदस्ती ठुसा ठुसा के खिलाने से तो भी बच्चे वो नहीं होते। ज़्यादा खाने से क्या होता है, बच्चे बार बार फ्रेश जाते हैं, जितना ठुसा ठुसा खिलाओ और बच्चों की आदत ख़राब हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करें, मैं तो बिल्कुल नहीं करती अपने बच्चों के साथ ऐसा बिल्कुल भी। तो फ्रेंड तबियत ठीक नहीं है, तो मुझे खांसी हो रही है, और कल रात मुझे इतनी खांसी पानी वाली पी लिया, तो अभी खांसी बंद नहीं हो रही मेरी। फिर मैंने चीनी खाई, तो चीनी खा के धसका था, मतलब वो चीनी खाने से तो थोड़ा सा आराम सा लगा। तो फ्रेंड आप बताना सूखी खांसी धसका लगने के बाद क्या करें, जिससे धसका एकदम बंद हो जाए। हप्पा खाए तो ये बोल रही हप्पा खाए। तो फ्रेंड आज का व्लॉग मैं यही समाप्त करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और जो भी कोई मेरी वीडियो पर नया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरे एक और को सब्सक्राइबर बढ़ जाए, ताकि मैं भी आगे बढ़ूँ, किसी गरीब आदमी को आगे बढ़ने का मौका मिले। तो फ्रेंड मैं बहुत मजबूर हूँ इस टाइम पर, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ, नहीं मेरे को कोई शौक नहीं था। तो फ्रेंड मैंने देखा कि भाई लोग ऐसे से मतलब घर बैठे भी मतलब पैसा कमा सकते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा चलो कहीं नहीं 2-4 साल में कभी तो ऊपर वाला साथ देगा और आप लोगों को सपोर्ट होएगा, तो मैं कोशिश में लग गई हूँ। तो फ्रेंड आपको तो पता है हाउसवाइफ के लिए कितना होता है, तो मैं जॉब करने की करूँगी, मैं करने की नहीं मैं करूँगी, क्योंकि ऐसा गुजारा नहीं, एक आदमी कमाई से आजकल कुछ नहीं होता। तो मेरे हस्बैंड करते हैं, तो उनकी भी नौकरी नहीं है अभी, तो इनकी नौकरी लगेगी। दूसरी बात, अगले साल से बच्चे दोनों स्कूल जाने लगेंगे, परी तो 3 साल की हो ही जाएगी, तो उसको तो डालना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड आपको तो पता ही एडमिशन कराने में कितना पैसा लगता है आज के टाइम में, तो मैं करूँगी नौकरी और अपने थोड़ी अपने हस्बैंड को सपोर्ट करूँगी। तो देखो फ्रेंड इसको ये खड़ा होकर खा रहा, तो सबको हाई कर दे पापा। तो फ्रेंड जो भी कोई हमारे चैनल पे है तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर देना, और आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बस